राहुल राज प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर हूँ और ये मूवी मैं काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक अच्छा किरदार नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे गोविंद राव हमारे हीरो मिल गए और परफेक्ट वो कैरेक्टर में बैठ चुका था। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी ऑडिशन वगैरह लेने के बाद हमने ये फिल्म स्लमडॉग करोड़पति बनाई है। तो इस फिल्म के स्टार कास्ट के लिए किस तरह से आपने चयन किया है कि कौन कौन से स्टार कास्ट और किस तरह से वो किस किरदार पर फिट बैठती है? ये जो मूवी है स्लम के ऊपर है और स्लम में सब झोपड़पट्टी के लड़के किस तरह होने चाहिए वैसा कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही कैरेक्टर के ऑडिशन हम लोगों ने की और हम लोग ने ऑडिशन करने के बाद सेलेक्ट किए काफ़ी लोगों को। अभी जो आपके एक्टर हैं उनमें ऐसी क्या खास बात रही, ऐसा क्या दिखा कि आपने इस फिल्म के लिए उन्हें सेलेक्ट किया? मेरे कैरेक्टर में परफेक्ट बैठ रहे थे लोग। स्लम झोपड़पट्टी के ऊपर हम लोग ने पिक्चर बनाई है, किस तरह से एक लड़का गरीबी से ऊपर आया और किस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे टैलेंट को हम लोग काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक दो साल के अंदर सब हम लोग स्टडी करके कैरेक्टर को बिठा दिया और मूवी के हिसाब से लोग ने मूवी बना ली। आपको ये फिल्म, जब आपको इस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया तो मन में क्या था और क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? मैं बहुत खुश था एक्चुअली। आई थैंक गॉड एंड थैंक्स प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर अरुण राज जी, वीएम पड़ियार जी, इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और सर ने मेरा ऑडिशन लेकर मेरा सिलेक्शन किया। तो मुझे बहुत बहुत ही खुशी हुई थी क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी वैसे डिप्लोमा करके, मैं स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में आया था। मुझे मेरी शक्ल देखे मुझे ही कभी कभी ऐसा लगता था कि यार अपना कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन गुड लक कि ऐसे किरदार की इनको ज़रूरत थी जो मुझ में उनको दिखा और मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक गॉड एंड थैंक्स ऑफ यू। आपको पहली बार फिल्म मिली थी इसलिए आपने फिल्म को हाँ बोला, या फिर आपको इस फिल्म की स्टोरी में ऐसी कोई खास बात लगी कि आपने इसको हाँ बोला? स्टोरी में तो बहुत ही अच्छी बात लगी और खास करके सर ने बोला कि यार दिस कैरेक्टर यू कैन प्ले, जस्ट दिस कैरेक्टर फॉर यू ओनली, तो मुझे और ज़्यादा विश्वास भी आया। तो स्टोरी तो मैंने सुनी थी फर्स्ट, एक्चुअली आप भी जानते हैं शायद कि जब स्ट्रगल टाइम में ना छोटा ब्रेक मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे तो लीड मिल रहा था तो डेफिनेटली मुझे हाँ बोलना ही था। और मैंने स्टोरी भी देखी तो बहुत अच्छी थी। टाइटल ही एक था कि स्लम डॉग करोड़पति, वैसे स्लम डॉग मिलीनियर एक फिल्म आ चुकी थी तो मुझे लगा उस लेवल में कुछ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से मैंने उसे हाँ कर। बहुत बढ़िया रहता था एक्चुअली, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत सारे अच्छे को आर्टिस्ट भी बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ पे तेजस पाटिल करके वे खड़े हैं, वो भी हमारे मतलब सेकंड लीड में है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रोल थे। और एक्चुअली इस फिल्म में मैंने अपना डेडिकेशन देने के लिए, मैंने 150 फीट से, आपने ट्रेलर में देखा होगा वहाँ पे मैंने रियल जंप मारा है ड्रिल में, गटर में, आपने देखा होगा शायद ट्रेलर में। तो बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत होप्स थी, कुछ कर गुजरना था, इसलिए मैंने अपना माई बेस्ट जो मैं दे सकता हूँ मैंने दिया। सर आप बताइए कैसे जुड़े आप फिल्म से, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म? इसमें क्या है, मिस्टर अरुण राज ने तमिल में भी रिलीज किया है पिक्चर और मिस्टर गोविंद वॉज ट्राइंग टू टेक इन हिंदी में रिलीज करने के लिए कोशिश करते थे। तो ये बोले गोविंद राव को बोला कि भाई ऐसा सब बात है, आप रिलीज करा ले लेना। बाद में उसमें एडिटिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत कुछ चेंज आ गया वो पिक्चर में। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, ही इज हेल्ड फ्रॉम लातूर में मेरा एक्टिविटी चलता है और बॉम्बे में भी एक्टिविटी चलता है। तभी इनको एक ऑफिस दिला दिया, जो कुछ करने का है विद इन 6 मंथ्स आप रिलीज़ कर लो, कैसा क्या करने का। तो एडिटिंग भी हो गया और एक पुअर फैमिली से जो आदमी आता है तो उसको हेल्प करने के नाते में उनको बोला अब टू रिलीज तुम इधर ही रहो मेरा साथ में, वी विल सी व्हाट इज टू बी डन। इसके लिए वो चालू। हमने काफ़ी लोकेशन में किए, पनवेल में किए, धारावी में लाइव हम लोग को झोपड़पट्टी का सीन चाहिए था तो धारावी में लाइव भी किए हम लोग, और पुणे में किए, साउथ में भी जाकर हम लोग ने शूट किया। शूटिंग के दौरान कोई मुश्किलें भी आई आपके? काफ़ी मुश्किलें आई, सब फेस करके हम लोग ने आगे बढ़े। थैंक यू। और दूसरा एक बात क्या है, अपना इसमें भी बॉम्बे में 2-3 साइट हम लोग ने लिया है, उसका बाद भी इनका पिक्चर कंप्लीट होने के बाद भी दहिसर का सीन 1-2 दिन लिया है हम लोग ने, उसमें भी इनका पाटिल ये
जो फुटपाथ में एक सीन था वो भी ले लिया उसमें. Okay, thank you. So much. That's all. Thank you.